Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC notes. I hope you all are doing great. Today I have got Indian agriculture topic for UPSC. As you know, it's given in the syllabus. So Indian agriculture topic जो है मैं कुछ इसमें एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं हो जाएगा, इसके दो तीन वीडियोस में मैं सारा टॉपिक कवर कर दूंगी. ऑल्सो आज मैंने ये जो मैं आपको वीडियो लाई हूँ ये कुछ अलग सा नहीं है, बस मेरा ही जो नोट्स है, एग्जिस्टिंग नोट्स है, उसका डिजिटाइज्ड वर्जन है. और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बताएं मुझे कि इस तरह का फॉर्मेट आप डिजिटाइज वर्जन ऑफ माय नोट्स आपको चाहिए, या जैसे कि मैं प्रीवियसली पहले वीडियोस बनाती रही हूँ वो उस तरह का फॉर्मेट ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे आइडिया लग, मतलब मेरे लिए बेटर होगा बनाना. अगर आपको डिजिटाइज वर्जन ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है तो मैं इस तरह के ही फिर आगे अपने सारे नोट्स का और आपको स्टैटिक का देती रहूंगी मटेरियल. अदरवाइज फिर मैं प्रीवियस एग्जिस्टिंग मोड में जैसे कि डायरेक्ट माई नोट से वो कर दूंगी. जो भी बेटर है प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक. आज का टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर. सो जब हम इंडियन एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो उसको हम स्टार्टिंग से, यू नो, यूपीएससी में वास्ट हमें डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिफोर इंडिपेंडेंस एंड देन वी विल डू पोस्ट इंडिपेंडेंस. And what is the, let's start from before independence. So before independence, how was the, what was the state of Indian agriculture, how it was situated in the economic circumstances, and let's see that. And then we will see the post independence. So before independence, it was based on three things: zamindari, riyatwari, and mahalwari. ज़मींदारी, रियातवारी, महलवारी, ये आपको जब एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा ना तो इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा. आपको करंट जो इश्यूज़ हैं उस पे फोकस करके आपको आंसर राइटिंग लिखना होगा. इसको जस्ट आप इसको एज अ रेफरेंस में दे सकते हैं. एंड डिटेल जब मैं हिस्ट्री का नोट्स कवर करूँगी ना, उसमें मैं ये सारी चीज़ें क्या होती है, ज़मींदारी, रियातवारी, महलवारी, उसमें आपको डिटेल में बता दूंगी. इट इज़ अ मोर ऑफ अ हिस्ट्री पोर्शन. सो इंडियन एग्रीकल्चर पहले ज़मींदारी, रियातवारी और महलवारी पे बेस्ड था. देन वॉट हैपन, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेज हुए फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी. द लैंड होल्डिंग वॉज फ्रैगमेंटेड. एंड फ्रैगमेंटेड मीन्स इट वॉज द एवरी पीपल, यू नो, दे हैव दियर ओन लैंड, और कोई उसमें कंसोलिडेशन नहीं था. जिसके पास जितना है उस पर वो काम किए जा रहा है. इट वॉज ऑल फ्रेगमेंटेड एंड पीपल वर डूइंग इन देयर ओन वे, जिसको जो लगाना, देर वॉज नो कमर्शियल बेसिस टू इट. कोई क्रॉप भी कोई ऐसा चोजन नहीं था जिसमें वो उसको उसका एक पैटर्न हो कि जैसे वीट की क्रॉपिंग हो रही है या राइस की क्रॉपिंग हो रही है. स्केलिंग भी नहीं थी. तो देर वॉज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी. लो आउटपुट था फॉर ऑब्वियस रीजन. नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नो फर्टिलाइजर्स, नथिंग. एंड देन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग ऑल्सो लेड टू लो आउटपुट. एंड देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री क्लास, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बाई जो जमींदार होते थे. और एंड लेटर द ब्रिटिशर्स, दे वर एक्सप्लॉयटिंग दीज स्मॉल लैंड होल्डर्स. And high subsistence, high subsistence means people were dependent on the farm, and then वो जो farming करते थे वो consumption purpose से करते थे. There was no trading or commercial purpose involved in this. High subsistence था agriculture पे. All right, फिर peasantry. Peasantry means most of the farmers were, they were very small, landless or small holders. सो और इनका क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था बाई जमींदार्स. सो दिस क्लास इज नोन एज पेजेंट्री क्लास. ऑल राइट, पेजेंट्री होता था. पेजेंट्री वॉज प्रिविलेंट, यू नो, बिफोर इंडिपेंडेंस. देन कमोडिटाइजेशन ऑफ लैंड हो गया. वेन द ब्रिटिशर्स केम, द लैंड बिकेम अ कमोडिटी. एंड देन स्टार्ट एंड सेल स्टार्टेड. दैट ऑल्सो इम्पैक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर इन अ नेगेटिव वे. Less use of technology. Obviously, we did not have tractors or anything. तो technology का तो कोई use ही नहीं था.
And then lack of transportation and storage facility. Lack of transportation and storage facility, we all know, आज भी हमें transportation की problem काफ़ी हद तक solve हो चुकी. Storage facilities, still we are facing problem when it comes to storing agricultural output. बहुत सारी मतलब जो गोडाउन में रखे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. तो storage फैसिलिटी का शॉर्टेज हमें आज भी है, तो आप समझिए इंडिपेंडेंस के पहले कितना रहा होगा. एंड देन बेनिफिटिंग ब्रिटिशर्स, ऑल द पॉलिसीज टुवर्ड्स एग्रीकल्चर वर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स विच वर इन द जो उनको बेनिफिट करता था. लाइक इंडिगो की खेती करो तो उनके लिए बेनिफिशियल था, तो वो उस पर जोर देते थे. तो बेनिफिटिंग ब्रिटिशर्स, ऑलराइट. एंड देन लेस कमर्शियलाइजेशन, ऑब्वियसली लेस कमर्शियलाइजेशन था. एंड देन क्रिएटिंग मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स. तो इंडिया को क्या बनाया जा रहा था, इंडिया वॉज मेड एज अ हब. इंडिया में पॉपुलेशन थी, इंडिया यहाँ पे लोगों के पास पैसा भी था, तो इंडिया को रेडी किया जा रहा था कि ऐसा मार्केट बनाए जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए एक हब हो सके. यहाँ पे ब्रिटिश के में बनाई चीज़ें यहाँ पे लाके बेची जा सकी. और नो एनिमल रियरिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास एनिमल नहीं थे, दे डिडंट रियर. नो, इसका मतलब ये है कि एनिमल रियरिंग पे ऐसा कोई कमर्शियल फोकस नहीं था कि एनिमल रियरिंग भी एक बिजनेस हो सकता है. एंड वी कैन टेक इट इन अ लार्ज वे. लाइक अभी अमूल वी हैव, यू नो, वी हैव डिफरेंट पोल्ट्रीज, तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था. दैट ऑल्सो डिडेंट हेल्प पीपुअर पीपल. ऑलराइट. देन मॉनसून डिपेंडेंट, लॉट ऑफ एग्रीकल्चर, दीज डैम्स, कैनाल्स, दे वर नॉट, यू नो, देयर. Little bit of here and there, they were there, but they were not exactly to the scale it was needed, was not there. So most of the agriculture was monsoon dependent. And then killing craftsmanship, obviously, when Britishers came, India mein craftsmanship काफ़ी high था. मतलब जैसे pottery हो गई, tailoring हो गई, wooden work हो गया, different kinds of craftsmanship. तो British ने वो सब ख़त्म कर दिया, सबको laborer बना दिया, you know. तो इससे भी लोग पावर्टी की तरफ चले गए. इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेट बहुत ख़राब हो गया. एंड देन लैक ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पावर, मार्केट, R&D एटसेट्रा, दिस वाज नॉट देयर. ऑलराइट. सो ये सारी चीज़ें भी नहीं थी. ऑब्वियसली फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था. मार्केट ब्रिटिश अपने गुड्स के लिए बना रहे थे. एंड R&D वॉज नॉट देयर. और रोड भी जो बना रहे थे, वो अपने सामान को कहाँ से कहाँ पहुँचाना है उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के रोड और ये रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, ना कि टू हेल्प द इंडियन एग्रीकल्चरर और ट्रेडर्स. नो. एंड लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स वॉज ऑल्सो नॉट देयर. जो अपना लोकल काउडंग या मैन्योर होता है, वो ही लोग यूज़ करते थे. एंड देन मिडल मैन, ऑब्वियसली ब्रिटिश के टाइम पे मिडल मैन वर अलॉट, सो दे ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द पुअर एग्रीकल्चरल. सो दिस वॉज इंडियन एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस. नाउ इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं, ये मैंने पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा लिखे हैं, ये आप कंपाइल करके इसको 4-5 पॉइंट में लिखने, एग्जाम में इतना लिख नहीं पाएंगे आप. ऑलराइट. सो दिस वॉज द सिचुएशन of Indian agriculture before independence. Now let's see what we did, the Indian government did post independence to improve the status of the agriculture in India. So post independence, as we can see, there were various goals that Indian government adopted, and for to achieve those goals, various steps or actions were taken. So let's see what were the goal that Indian government kept for itself to improve the state of agriculture in India. So the goals were ensure food security. हमारे पास, you know, we already know, बहुत सारी famines और ये इसमें जिसमें लोग मरते रहे हैं during British time. So food security, also the population was rising rapidly, you know, post independence. So food security was a major goal for Indian government.
तो इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी वॉज वन ऑफ द गोल्स. एंड देन सेकेंड, इम्प्रूव एग्रीकल्चरल कंडीशन, क्योंकि एग्रीकल्चर की हालत तो बहुत ही ख़राब थी. ब्रिटिश ने कुछ भी नहीं किया था टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. वो बस अपना जो उनके मतलब की चीज़ें थी, द रॉ मटीरियल्स, द फिनिश्ड गुड्स, दे वर कंसनट्रेटेड ऑन दोज थिंग्स, नॉट इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. सो इंडियन गवर्नमेंट का गोल था इम्प्रूव द एग्रीकल्चर कंडीशन. एंड द नेक्स्ट गोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू इम्प्रूव पेजेंट कंडीशन. पेजेंट मतलब जो फार्मर्स होते हैं उनकी कंडीशन में, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने का भी एक टारगेट रखा. एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ इनकम एंड लैंड, बिकॉज जमींदार है सो मच लैंड, यू नो. एंड देन किंग्स एंड ऑल द सिस्टम फॉर देयर, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था एंड हेंस इनकम ज़्यादा होती थी. एंड देयर वर अदर हु वर वर्किंग लाइक स्लेव, लैंडलेस लेबरर्स एंड पेजेंट्स, दे डिड नॉट हैव लैंड, और इवन इफ दे हैड देयर दिस लैंड होल्डिंग वॉज वेरी स्मॉल. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ इनकम एंड लैंड का एक भी टारगेट था इंडियन गवर्नमेंट का पोस्ट इंडिपेंडेंस. एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ वॉज ऑल्सो अ टारगेट. पब्लिक हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी? बाई प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द मासेस. यू नो, जब आप अच्छा खाएंगे तो ऑब्वियसली द हेल्थ विल बी बेटर, योर प्रोडक्टिविटी विल बी बेटर एंड द सिकनेस विल रिड्यूज. जो हेल्थ इश्यूज, जो न्यूट्रिशन रिलेटेड, फूड रिलेटेड सिकनेस है वो कम हो जाएंगी, डिसीजेस कम हो जाएंगी. सो दीज फाइव वर द गोल्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर एग्री, एज फार एज एग्रीकल्चर वॉज कंसर्न. सो वॉट एक्शंस दे टुक? तो एक्शंस क्या लिया? वेरियस प्रोग्राम्स वो डिज़ाइन, लाइक इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1961. देखिए मैं ना, ये नोट्स है तो इसमें मैं इन चीज़ों को एकदम से डिटेल में लिख के नहीं बताऊंगी. ये आप अभी वीडियो पॉज करिए और गूगल करिए, या कोई बुक आप रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करके आप इसको पढ़िए. अदरवाइज इसमें अगर एक नोट्स में सब कुछ लिख देंगे ना तो आपको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो मैंने जस्ट पॉइंटर्स लिखे हैं और ये आप जब एक दो बार पढ़ लेंगे कि ये एक्चुअली ये प्रोग्राम व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, इसका पर्पस क्या था, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो आपके माइंड में रह जाएगा. फिर आपको बार बार उसको देखने की या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो जस्ट गो थ्रू दिस, पॉज द वीडियो, गो थ्रू दिस, व्हाट इज दिस प्रोग्राम बाय योरसेल्फ, डू सम सेल्फ वर्क एंड देन आपको, यू विल नेवर हैव टू रिपीट इट. तो द फर्स्ट वॉज इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1961. दिस वॉज फॉर एग्रीकल्चर, जो उसको इंटेंसिवाइज करने के लिए प्रोग्राम था. एंड द नेक्स्ट वॉज इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यू हैव टू टेल मी ऑन इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल राइट, नोट्स आप ऐसे ही बनाना, पूरी कहानी नहीं लिखना, अदरवाइज यू विल मिस द पॉइंट ऑफ नोट्स मेकिंग, बुक ही छाप देंगे आप. एंड देन थर्ड वॉज ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन, दिस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन ड्यूरिंग 1960s में लाया गया. व्हेन द इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, व्हेन द प्रोडक्टिविटी वॉज नॉट इम्प्रूविंग, देन द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड. हु वॉज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. अभी ही रिसेंटली जस्ट पास्ड अवे, यू नो, द जेम of Indian agriculture, who gave India, you know, who made India self-sustainable in the agriculture. He just passed away in 2023, this month. Let me know the name of the person. And then green revolution mein phir kya tha? मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं देखिए, उसको वेरियस कैटेगरीज में. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप कहानी की तरह पढ़ लेंगे, बट जब आंसर लिखने जाएंगे तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी कि उसको स्ट्रक्चर कैसे करें, फ्रेम कैसे करें. आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, उसको आंसर राइटिंग में, आंसर में प्रेजेंट करने में भी प्रॉब्लम होगी. और ये दोनों का डिटेल मैंने यहाँ इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि
आपको स्पेसिफिक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना प्रीलिम्स में पूछेगा ना मेंस में पूछेगा, बट एक बार आपको पढ़ना है टू नो व्हाट इट वाज, हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड. ऑल राइट, पढ़िएगा ज़रूर आप. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आप तो भी आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्लूड करना ही करना है अलॉन्ग विद दीज थिंग्स. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, देखिए पर्पज, स्टार्टअप ऐसे करेंगे ना, लाया क्यों भाई, कोई चीज़ हम लाते हैं क्योंकि उसका कोई पर्पज़ होता है, मकसद होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं. तो व्हाट वाज़ द पर्पज़, देन मेजर्स, ठीक है पर्पज़ तो पता चल गया, अब उसको करेंगे कैसे, मेजर्स हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, नेसेसरी स्टेप्स भी ले लिया, उसका इफेक्ट क्या था, वॉज इट पॉजिटिव वॉज इट नेगेटिव, वर वी सक्सेसफुल, इफेक्ट क्या था, एंड देन उसका आउटकम क्या आया, अल्टीमेट रिजल्ट व्हाट वॉज इट, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो व्हाट वर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या गोल्स हमारे ये थे, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एक्शन हमने ये लिए, एंड देन ग्रीन रिवॉल्यूशन वी आर एलैबोरेटिंग हियर बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन द मेंस स्पेशली. सो द पर्पस वी विल सी, पर्पस, मेजर्स, effect of green revolution, outcome of the green revolution and disadvantages of the green revolution, if any there was. So let's see this in the next slide. So let's see what was green revolution, what government did in the green revolution. I have already explained in the previous slide ki uska purpose kya tha, hum green revolution ko kaise structure kiya hai maine apne answer mein aur notes mein, aur kaise usko padhenge, uska purpose padhenge, measures padhenge, uska effect padhenge aur outcome padhenge, and then uska disadvantages, agar koi disadvantage raha hai to wo padhenge, agar nahi raha hai to will not see that. All right, so what was the purpose of the green revolution? Purpose was self sufficiency in fruit grains. On the eve of independence, you know, independence, आज़ादी के बाद भी भारत के पास खाने के हालात इतने बुरे थे कि मतलब import करना था, but import करने के भी पैसे नहीं थे हमारे पास. So the government decided, no, this cannot go for long. We have to be independent, self-sufficient in the फूड ग्रेन्स, अपने लोगों अपने पास खाना तो अपना होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप नहीं करोगे तो चलेगा, अदरवाइज तो हाउ विल टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड. तो सेल्फ सफिशियंसी इन द फूड ग्रेन्स वॉज द प्रायोरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. और दूसरा पर्पस क्या था उसका, अचीव फूड सिक्योरिटी. सेल्फ सफिशियंट तो हो जाए बट सिक्योर भी रहे, हम खा तो रहे हैं बट हमारे पास कल ना होने का डर भी ना रहे, सिक्योरिटी होनी चाहिए फूड की. तो ये दो पर्पस था, दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल पर्पस बट इट वाज वेरी बिग टास्क टू अचीव देम, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू नो, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंटायर द फ्रेमवर्क विच वॉज वर्किंग विद द गवर्नमेंट एंड इवन द पीपल वर इन्वॉल्व. So the purpose was self-sufficiency in food grains, achieve food security. These two were purpose. इसके लिए government ने measures क्या लिया, high yield variety seeds मंगाए, high yield variety seeds हमारे पास तो नहीं था, कहाँ से मंगाया, for example they took wheat from Mexico and rice from Philippines. All right, तो हम ताकि हम उसकी productivity बढ़ा सके, उसकी yield की, उसका ईल्ड को हाई कर सके, वरना हमारे पास जो सीड्स थे, हमारा जो खुद का स्टॉक था, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी. हमने लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक एकड़ में लगाया, तो एग्जांपल के लिए ले लो, एक एकड़ में हमने राइस लगाई तो मान लीजिए 4 क्विंटल निकल रहा है, बट अगर हम फिलीपींस की राइस लगाते हैं तो हो सकता है 10 क्विंटल निकल रहा हो. दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, यू नो, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. तो इसलिए हाई ईल्ड सीड्स वैरायटी जहाँ से हमें मिला वो हम ले आए. एग्जाम्पल आई हैव गिवन, इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए कनाल्स बनाए गए, डैम्स की स्टार्टिंग की गई, यू नो, वेरियस कैनाल्स एंड दीज थिंग्स वो इम्प्लीमेंटेड. फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि फर्टिलाइजर्स हमें हम किसानों को प्रोवाइड करेंगे, एंड देन पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम गेटिंग damaged by these weeds and pesticides and insects who eats them. And then mechanization kiya gaya, mechanization ki taraf kadam badhaya gaya, ki machinery lai gayi pani nikalne ke liye, you know, kheton ko usko jotne ke liye, to mechanization was also adopted. Jo ekdam rudimentary tarike se agriculture ho raha tha usko, you know, usko piche karke
people were motivated and they were given the mechanization. And then infrastructure development, infrastructure like power. Electricity rahegi tabhi to aap pani nikaloge na, in case you if you're pumping it. And then road, usko product ko trans, raw materials ko usko aur finished products ko usko transfer, finished products in the sense here the produce of the farm to take it to the storage facilities or the market. Infrastructure development of infrastructure was very important. And then power is diesel or electrical power, दोनों को इन्हांस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिस वॉज द स्टेप्स वर टेकन कि हम क्या कर सकते हैं. तो वेरियस पावर प्लांट्स वर सेट अप. ऑलराइट. एंड देन एग्री फाइनेंस, उसी समय इफ यू रिमेंबर द बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया एंड वेरियस बैंक्स में भी एग्रीकल्चर फाइनेंस को एम्फेसिस दिया गया कि ताकि फार्मर्स को लोन दिया जाए. एंड देन पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट भी होना चाहिए. पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट दिया गया कि उनकी उनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, उनको मार्केट प्रोवाइड कराओ, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है, उसको अच्छी अच्छे प्राइस पे खुद खरीदे, गवर्नमेंट खरीदे इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. तो पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट में और भी क्या चीज़ें थी, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होनी भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज उसकी वैल्यू कम हो जाती है, सिंगल यूज वैल्यू कम हो जाती है. एंड देन स्टोरेज एंड देन मार्केटिंग फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज भी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो ये पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट में आ गया जिसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस फ्रेमवर्क बनाए. एंड देन ये हमने पर्पस देख लिया, मेजर्स देख लिया, इफेक्ट क्या था, इफेक्ट वॉज इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अगर ये सारे जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए, दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन फॉर ऑब्वियस रीजन. एंड देन उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गया इंडिया का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, जो हमने यहाँ पे देखी थी, हाई यील्ड है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ऑलराइट. एंड देन रिड्यूस्ड फूड इम्पोर्ट, ऑब्वियसली जब हम सेल्फ सफिशियंट होने लगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मतलब कम हो गया हमारा इम्पोर्ट. वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, ओनली दोज थिंग्स वर इम्पोर्टेड नाउ. तो इससे क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स भी बचने लगा. एंड देन फोर्थ इम्पैक्ट क्या था, इफेक्ट क्या था, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. अब गवर्नमेंट ने इतने स्टेप्स लिए हैं तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होने लगा. कॉरपोरेट सेक्टर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, पीपल देमसेल्व स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, इवन द बिग फार्मर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मैकेनाइजेशन एंड अदर थिंग्स. इंक्रीज इन कमर्शियलाइजेशन, ऑब्वियसली जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो आप कितना खाएंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग थोड़ी सब कर लेंगे, तो आप इसको, अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है वो तो मार्केट ही जाएगा. तो दिस लेड टू कमर्शियलाइजेशन एंड देन ग्रोथ इन एग्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज. तो जब हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, कमर्शियलाइजेशन होता है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ तो होगा, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. एंड देन इंक्रीज फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल आई ऑलरेडी गेस. एंड एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में और जो इंडस्ट्रीज आएंगी, लाइक जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड टूल्स बनाती हैं, वो भी तो इंडस्ट्री आएंगी. अगर एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है तो काम करने के लिए पंपिंग मशीन, पाइप्स, अदर वेरियस आयरन टूल्स विच आर नीडेड इन द एग्रीकल्चरल वर्क, उन सब की इंडस्ट्रीज भी बढ़ी. एंड देन ऑब्वियस रीजन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. अगर ये सब होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फार्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. अगर एग्रीकल्चर की वजह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा. एंड देन एक्सटेंशन सर्विसेज लाइक कृषि दर्शन, इस तरह की सर्विसेज भी कम अप होने लगी, विच ऑल्सो हेल्प द फार्मर एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग. एंड देन एग्री रिसर्च इंक्रीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड इस रिसर्च भी बढ़ गया. दीज वर द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन. एंड वॉट वॉज द आउटकम, आउटकम ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन टू द GDP इंक्रीज्ड, इवन द शेयर डिक्रीज. मतलब एग्रीकल्चर का जो शेयर था GDP में वो कम हो गया, बट एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में वो काफ़ी बढ़ गया.
ऑलराइट, तो ये आउटकम निकला, दीज वर द इफेक्ट एंड दिस वॉज द आउटकम. एंड वट वर द डिसएडवांटेजेस? लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ सीड. दिस इज यू नो वेरी बिग डिसएडवांटेज. ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ सीड्स वेरी न्यूट्रिशियस भी होते हैं वो, और उनका अपना एक रिजीलियंस होता है इन द लोकल एनवायरमेंट. वो हर चीज़ को यू नो टॉलरेट करके दे स्टिल कैन सर्वाइव एंड दे कैन बी यूज मल्टी जनरेशन. तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स थी उसका लॉस होने लगा. जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही थी हम उस पर ही फोकस करते गए. तो दिस वॉज वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज. एंड देन वॉट वॉज द नेक्स्ट? ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर. हमने फर्टिलाइजर का मतलब यू नो इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि देर इज़ लैंड इरोजन. जो पंजाब एरिया, हरियाणा, ये सब जो ज़्यादा बेनिफिटेड थे वहाँ पे लैंड की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. एंड देन अदर डिसएडवांटेज वॉज इम्प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट. इम्प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट मीन्स फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोलॉजिकल रीजन्स. अब जैसे इकोलॉजिकल रीजन्स क्या है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स करें या एक क्रॉप्स इतने ड्यूरेशन के लिए ही उसको ग्रो करें, बट हो क्या रहा था? क्योंकि फाइनेंस मिल रहा था, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मिल रही थी, और यू नो पानी मिल रहा था, सब कुछ था. तो लोगों ने कहा हम यही ग्रो करेंगे, लाइक राइस ही राइस ग्रो करेंगे या वीट ग्रो करेंगे जिससे कि हमारा इनकम ज़्यादा रहे. तो इम्प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट हो गया. इससे क्या हुआ? दिस वॉज नॉट गुड फॉर द सॉइल हेल्थ. ऑलराइट, दिस वॉज डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन. एंड मिसयूज ऑफ इरीगेशन. पानी जितना चाहिए उससे कई गुना पानी लगाया जा रहा था. यू नो वेस्टेज ऑफ वाटर, मिसयूज ऑफ इरीगेशन हो रहा था. दिस वॉज ऑल्सो यू नो वन ऑफ डिसएडवांटेज. एंड इंटरक्रॉप इम्बेलेंसेज, वी बेनिफिटेड मैक्सिमम इंटरक्रॉप इम्बेलेंसेज. अब आप क्रॉप क्या है, खेत को क्या चाहिए, आप डिफरेंट क्रॉप्स को इंटरचेंज करके लगाएं, उसको भी एक खुद को नरिश करने का सॉइल को टाइम चाहिए. बट नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है, वीट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, अदर क्रॉप्स रह गए वो पीछे रह गए. एंड देन रीजनल इम्बेलेंसेज भी हो गया. दिस वॉज ऑल्सो डिसएडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल आंध्र पंजाब बेनिफिटेड मोर देन बिहार और उत्तराखंड. This was also a disadvantage. And the next disadvantage was only large farmers benefited. Large farmers benefited because small farmers के पास तो ना तो लैंड था इतना, ना तो पैसे थे, ना इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं था जिसको वो यूज़ करके उसका बेनिफिट ले सकें लार्ज स्केल प्रोडक्शन का. तो लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट ज़्यादा गया ग्रीन रिवोल्यूशन से. And then health issues due to overuse of pesticide. For example, cancer rise in Punjab. And the next was soil degradation and salinization. For obvious reason, अगर हम ज़्यादा fertilizers use कर रहे हैं, improper crop management है, misuse of irrigation है, crop imbalances है, तो soil तो degrade और salinize होगी ही होगी. And then air and water pollution भी इसकी वजह से बढ़ गया. यू नो इतना सारा केमिकल यूज़ करने से वो तो पानी तो सीप करके वही जाएगा ना, केमिकल तो सीप करता ही है. तो एयर एंड वाटर पोल्यूशन बढ़ गया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल रेजिड्यू इन फूड क्रॉप्स, जो कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी डिसीजेस का कारण बन रहे हैं. समटाइम्स इवन दे इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो. तो बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है दे आर ड्यू टू केमिकल रेजिड्यू इन द फ्रूड क्रॉप्स. दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है एंड द पीपल आर प्रिफरिंग इट. So this was the green revolution. This was one of the steps that government took post independence to make the agriculture self-sufficient. All right, now. So this is all for today's video. But ये agriculture का topic पूरा cover नहीं हुआ है अभी है. Next video में I will cover, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी video. तो next topic में I will cover the challenges identified by the Niti Aayog in agriculture, suggestions to overcome those challenges, agricultural reforms क्या क्या हुए हैं post independence से लेके आज तक, and the factors of failure of these reforms and some successes and step needed for success of these reforms. ये सारा मैं आपको next video में cover करवा दूंगी. So I would say, you know, आप please, मैंने starting में भी कहा था, अभी भी मैं आप
आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये फॉर्मेट डिजिटल वर्जन ऑफ माई नोट्स अगर आपको बेटर लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं इस तरह बनाऊँ। अदरवाइज इफ़ यू लाइक माई अर्लियर यू नो डायरेक्ट नोट्स से एक्सप्लेनेशन तो भी आप बताइए, तो फिर अगर वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है तो मैं उस तरह से नोट्स उसी तरह से ही प्रेजेंट करूँगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। Thank you.